नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले भिवानी हलचल की पूरी टीम की तरफ से आपसे अपील करना चाहूंगी कि घर में रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। लॉकडाउन के मतलब को समझें और बिना वजह बाहर ना निकले। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। आइए डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के चलते पुलिस तीसरे दिन भी रही मुस्तैद। बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों को पुलिस ने करवाई उठक बैठक। चिकित्सकों के आदेशों की अवहेलना करना पड़ा महंगा, भेजा गया लोहानी स्थित अस्पताल। कोरोना वायरस के चलते आगे आए महंत। श्री महंत ने जरूरतमंदों में बांटी खाद्य सामग्री। ह्यूमन राइट मिशन संस्था ने बांटे मास्क। शहर के साथ साथ गांव में भी जाकर बांटे मास्क। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस के कारण जहां प्रधानमंत्री ने पूरे देश में लॉकडाउन के आदेश दिए हैं, वहीं कुछ लोग अभी भी इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। गुरुवार को ऐसे ही लोगों को सबक सिखाया भिवानी पुलिस ने। जो लोग बेवजह बाहर घूमते देखे गए, पुलिस द्वारा उन्हें उठक बैठक कराते हुए घर की तरफ ले जाया गया। कोरोना वायरस के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन किया हुआ है और सभी देशवासियों को कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचने के लिए लोगों से अपील भी कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग बेवजह घरों से निकलकर घूम रहे हैं। गुरुवार सुबह भी दिनोद गेट पर सुबह इसी प्रकार का नजारा देखने को मिला। अब गौरतलब ये है कि जब सुबह एएसआई विष्णु राव अपनी टीम के साथ नाका लगाकर लॉकडाउन की ड्यूटी पर थे, तब वे बेवजह घर से बाहर घूमने वालों को समझा बुझाकर घर भेज रहे थे। लेकिन कई बार समझाने के बाद भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया और वे बाहर ही घूमते नजर आए, तो उनको पकड़कर सख्ताई से पूछताछ करते हुए उठक बैठक करवाते हुए उन्हें घर तक भेजा गया। पैडे ड्यूटी में भी बताया जा रहा है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। जब तक लोगों को खुद समझ में नहीं आएगा, हम इस समस्या का वो नहीं दबा सकते। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा सबसे पहले। इनको बोलने से समझ नहीं आ रहे तो इनको थोड़ी बहुत पनिशमेंट दी जा रही है ताकि लोग समझ सके और हम इसको कंट्रोल कर सके। प्रशासन भी लोगों की हेल्प करने में लगा हुआ है। लोग बिना मास्क भी घूम रहे हैं, हम उनको मास्क भी दे रहे हैं ताकि हम इस समस्या से निपट सके। सभी एकजुट रहेंगे, मीडिया भी थोड़ा हेल्प करेगी, तभी लोगों को जागरूक किया जा सकता है। चिकित्सकों के आदेशों की अवहेलना करने वालों के प्रति अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सचेत हो गया है। इसी के चलते गुरुवार को भी खरक निवासी राजेश को पकड़कर लोहानी स्थित अस्पताल में भेजा गया, क्योंकि ये व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका से आया था और चिकित्सकों द्वारा उसे आइसोलेट किया गया था। विदेश से आए खरक निवासी एक व्यक्ति को चिकित्सकों के निर्देशों की अवहेलना करने और लॉकडाउन के दौरान गाँव में खुले घूमने के आरोप में स्वास्थ्य विभाग की कोविड-19 टीम और पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने गांव के एक व्यक्ति की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। टीम ने आरोपी को लोहानी स्थित अस्पताल भेज दिया। खरक खाड़िया निवासी जिला पार्षद प्रतिनिधि श्याम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके गांव का दक्षिण अफ्रीका में रहने वाला राजेश 20 मार्च को गाँव में आया था। कोरोना बीमारी के चलते स्वास्थ्य विभाग की कोविड-19 टीम ने उसे 4 अप्रैल तक घर में ही आइसोलेट किया था और उसके घर के बाहर नोटिस भी चस्पा किया था। इसके बावजूद राजेश सरकारी नियमों की अवहेलना कर गांव में खुले में घूम रहा था। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की कोविड-19 टीम ने सूचना मिलते ही वीरवार दोपहर बाद राजेश को गांव में जाकर पकड़ा और उसे लोहानी स्थित सेंटर में भेज दिया। उनको नोटिस दिए गए थे होम क्वारंटाइन के लिए, वो उनकी वायलेशंस कर रहे थे। 2 दिन पहले हमने 4 लोगों को हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया है बाबा योगी नेतनाथ है लोहानी में, वहाँ पर क्वारंटाइन किया। और एक आदमी की आज बार बार कंप्लेंट आ रही थी, वो घाना से ट्रैवल हिस्ट्री थी 20 तारीख की खरक गांव से, उसको हमने क्वारंटाइन सेंटर भेजा है। लोगों को यही मैसेज देना है ताकि लोग होम क्वारंटाइन का फॉलोअप कर लें और कोई वायलेशन ना करें ताकि इस महामारी से बचा जा सके। कोरोना वायरस के चलते जहां पूरा देश लॉकडाउन है, संकट की घड़ी में जरूरतमंद लोगों के प्रति महंत अशोक गिरी ने अपनी जागरूकता दिखाई। जहरगिरी आश्रम के महंत अशोक गिरी ने कई समाज सेवियों के सहयोग से जरूरतमंद लोगों में राशन का सामान वितरित किया। सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम के महंत अशोक गिरी ने जरूरतमंद लोगों में खाद्य सामग्री वितरित की। महंत ने जरूरतमंद परिवार के एक एक सदस्य को आश्रम में बुलाया और उनके हाथों को सैनिटाइजर से साफ कराकर खाद्य सामग्री दी। श्री महंत ने जरूरतमंद परिवारों को दाल, चावल, आटा, आलू, मसाले, तेल, चीनी, गुड़ और अन्य सामान भी दिया। इस मौके पर श्री महंत ने कहा कि जन सेवा से बढ़कर कोई पुण्य का कार्य नहीं है।
लॉकडाउन में जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना हर सामाजिक संस्था का परम कर्तव्य बनता है और हर सामाजिक संस्था के सदस्य इस कार्य में आगे आए। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते लॉकडाउन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनहित में ही देश को लॉकडाउन किया है और हर व्यक्ति इस लॉकडाउन को सफल बनाने में सहयोग करे, बिना किसी कार्य या वजह के घर से बाहर ना निकले। अगर ज्यादा जरूरत हो तो घर से केवल एक ही सदस्य निकले और सामाजिक दूरी बनाए, तभी इस कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सकता है। धर्मनगरी छोटी काशी पोस्टली रही है और छोटी काशी हमेशा हर कार्य के लिए अग्रणी रही है। आज भी इस महामारी के चलते हुए ये अन्नपूर्णा का देश है और अन्नपूर्णा के देश में कोई भूखा सोए तो इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी। कोरोना अपने स्थान पे है, उससे हम घर में रह कर लड़ सकते हैं, लेकिन आपने इस देश में हमारे यहाँ पर भी इसी कैसी काफ़ी बस्तियाँ जहाँ पर गरीब लोग रह रहे हैं। हमें जितनी भी संस्थाएँ हैं, जो ट्रस्ट हैं, धार्मिक संस्थान हैं और जो इनके अलावा जो और भी व्यक्ति हैं जो अपने शक्ति सामर्थ्य से एक व्यक्ति को, एक परिवार को यथायोग्य सहायता दे, चावल, चीनी, आटा, तेल, जिससे कि व्यक्ति कोरोना से बच जाएगा लेकिन पेट की आग से क्षुधा से ना मर पाए, भूख से ना मर पाए। भूख से मरना महापाप है, तो इस पाप से बचने के लिए आप सब इसमें सहयोग करें। आप लोगों से टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से विनम्र निवेदन है, काला बाजारी को रोकिए, जहाँ भी काला बाजारी हो रही है उसको रोकिए। और आप सामर्थ्य है आपके अंदर, आप एक परिवार को, एक व्यक्ति को भोजन दीजिए। कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए और उनके बचाव के लिए गुरुवार को ह्यूमन राइट्स मिशन संस्था आगे आई। संस्था द्वारा शहर वासियों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए गए, साथ ही साथ अपने घरों में रहने की अपील भी की गई। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना वायरस जैसे संकट से लड़ रहा है, वहीं सामाजिक संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर लोगों की मदद के लिए आगे आ रही हैं। गुरुवार को ह्यूमन राइट मिशन संस्था ने भी मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। संस्था के प्रेसिडेंट ने बताया कि वे शहर के साथ साथ गांव में जाकर भी मास्क वितरित कर रहे हैं और जब तक उनके पास उपलब्धता रहेगी वे ये कार्य करेंगे। गुरुवार को संस्था द्वारा शहर वासियों के साथ साथ ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को भी मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया है जहां तक पॉसिबल हो, जहां उनके पहुंच में एक तो मास्क, सैनिटाइजर मास्क और हैंड सैनिटाइजर अगर ना हो तो हम उनको दें। मैंने स्पेशली फेसबुक पे भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखा है, जिस भाई को जो कि हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क लेने में असमर्थ है और वो मेरे को कॉल करे, हम खुद उनके पास पहुंचाएंगे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। लॉकडाउन के चलते पुलिस तीसरे दिन भी रही मुस्तैद, बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों को पुलिस ने करवाई उठक बैठक। चिकित्सकों के आदेशों की अवहेलना करना पड़ा महंगा, भेजा गया लोहानी स्थित अस्पताल। कोरोना वायरस के चलते आगे आए महंत, श्री महंत ने जरूरतमंदों में बांटी खाद्य सामग्री। ह्यूमन राइट मिशन संस्था ने बांटे मास्क, शहर के साथ साथ गांव में भी जाकर बांटे मास्क। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।